हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये दिवाली के अगले दिन का व्लॉग है। मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ खाटू श्याम जी मंदिर। राजस्थान में ये मंदिर है और यहाँ सराय रोहिला से हमने ट्रेन ली है। ये शताब्दी एक्सप्रेस, जन शताब्दी एक्सप्रेस है। ये बहुत ही अच्छी ट्रेन है, बहुत कम्फर्टेबल सफ़र रहा। बहुत जल्दी इसने पहुँचा दिया ट्रेन ने हमें, और बहुत अच्छी थी। सिटिंग वाली है ये सीट, 4 घंटे में पहुंचा दिया था। 4:15 बजे ये ट्रेन चली थी और इसने 7:45 बजे हमें बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंचाया था। देखिए कितनी फास्ट चल रही है। थोड़ा मौसम ठंडा हो गया था तो शॉल मैं ले आई थी। बहुत फास्ट ट्रेन है, बहुत टाइम से इसने हमें पहुँचा दिया था। तो ये 7:45 बजे इसने राइट टाइम पर हमें पहुँचा दिया। देखिए रात हो गई है ना, आजकल तो दिन जल्दी ढल जाता है। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ रिंगस स्टेशन पे, खाटू श्याम जी के बहुत पास। अब पहुंचने ही वाले हैं, बस रिंगस पहुंच गई हूँ। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, रिंगस जंक्शन राजस्थान। फाइनली हम पहुंच गए हैं। पहली बार मैं खाटू श्याम जी मंदिर आई हूँ और बहुत एक्साइटमेंट है खाटू श्याम जी के दर्शन करने की। यहाँ लोग पटरियों से उतर के उस तरफ चले जाते हैं, बट हम नहीं गए थे। हम अंडर पास से होते हुए ही गए थे, यहाँ पर जो रास्ता बना हुआ है वहाँ से गए थे। ये रिंगस जंक्शन का रेलवे स्टेशन है। देखिए बाहर आ गई हूँ और यहाँ बुलेरो गाड़ियाँ चलती हैं जो हमें खाटू श्याम जी मंदिर तक पहुँचाती हैं, सीकर तक, जो उनका मेन प्राचीन मंदिर है वहाँ तक। इस गाड़ी में 50 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट लगती है, बट बहुत भर के जाती है। हम आगे वाली सीट में ड्राइवर के साथ बैठे थे तो हमें इतना पता नहीं चला, नहीं तो बैक साइड में काफ़ी होते हैं। आप ऑटो गाड़ी कुछ भी कर सकते हैं, बट हम इसमें चले गए थे, जल्दी से पहुँचा देते, आधे घंटे में पहुँच गए थे हम। 50 रुपीज़ पर सवारी है, पर ध्यान से पूछ के चढ़िएगा क्योंकि पहले कई बार 100 रुपीज़ भी बोलते हैं कई लोग और वहाँ जाके फिर 50 की जगह 100 ले लेते हैं। पहले कंफर्म करके बैठिएगा। और ये देखिए निशान, कई लोग यहीं से निशान लेकर जाते हैं, कई लोग आगे से भी लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग यहाँ रिंगस के स्टेशन से उतर के यहाँ से पैदल ही वहाँ तक जाते हैं। 18 किलोमीटर है यहाँ से लेके खाटू श्याम जी का जो मंदिर है। तो तोरण द्वार पर इन्होंने उतार दिया था इस गाड़ी ने हमें, और उसके बाद हमें पैदल ही जाना होता है। हमने होटल जो है वो मंदिर के पास लिया था, इसीलिए हम यहाँ पैदल ही सर्च करते हुए गए हैं। रात को देखिए पहुँच गए हैं, 8:30 का टाइम हो रहा होगा आई थिंक, पहुँच गए थे हम। और मंदिर ये देखिए, ये है तोरण द्वार, जय श्री श्याम लिखा हुआ है ना, ये फाइनली यहाँ से शुरुआत होगी यात्रा की हमारे खाटू श्याम जी के दर्शन की। बहुत एक्साइटमेंट और बहुत खुशी हो रही थी, जैसे जैसे पास पहुँचते जा रहे थे वैसे वैसे बहुत खुशी होती जा रही थी। और थक गए थे, शायद छोटा ही सफ़र था, इतना नहीं था, पर थकान हो ही जाती है। तो बट यहाँ आते ही पता नहीं थकान कहाँ गायब हो गई थी। मन कर रहा था बस फटाफट से फ्रेश हों, होटल मिले और उनके दर्शन करने जाएं। रात को रुका ही नहीं जा रहा था, नहीं तो जैसे थके होते हैं मन करता ना रेस्ट करने का, हमारा नहीं था। हमारा मन तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते ही शक्ति सी महसूस हो रही थी कि बस आ गए हैं, खाटू श्याम जी की नगरी में पधारे हैं। ये देखिए श्याम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पहुँचते ही एक अलग सी एनर्जी फील हो रही थी, बस यही दिल था कि जल्दी से रूम ले, वहाँ सामान रखें और फ्रेश होकर पहुँच जाएँ फटाफट, रात को एक बार दर्शन कर ले मंदिर पहुँचने से पहले। और फाइनली हुआ। ये देखिए हमारा रूम है, अच्छा रूम मिल गया है। ये सुदामा होटल है, बिल्कुल पास में ही है, 15-20 मिनट का रास्ता है यहाँ से खाटू श्याम जी मंदिर का। तो ये भी भगवान की कृपा पूरी रही, इस बार यात्रा हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी रही, हमें कोई परेशानी नहीं हुई आने जाने के टाइम। और वहाँ पे खुल के दर्शन हुए, कई बार हमने दर्शन किए वहाँ के चारों पहर के, भगवान की पूरी कृपा थी। ये देखिए रात को मैं पहुँच गए हम फ्रेश होकर, ये देखिए कितनी दुनिया आई हुई है। 9 बजे का टाइम हो रहा है, ये 9:30 तक तो हम दर्शन करके फ्री हो गए थे यहाँ से। इस टाइम भी देखिए कितने लोग आए हुए हैं, बट यहाँ पे कितनी भी दुनिया आ जाए ना यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इतनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ की कि जितनी भी दुनिया आए 10-15 मिनट में ही फ्री हो जाते हैं दर्शन करके, ज़्यादा समय नहीं लगता। बहुत ज़्यादा लाइनें हैं और हर लाइनों से भगवान पूरी तरह से अच्छे से दिखते हैं। तो यहाँ जो मैं आपको मेरा दिख रहे होंगे लेफ़्ट साइड में जो पहली लाइन है वो बिल्कुल खाटू श्याम जी के पास में दर्शन होते हैं, और जो राइट साइड में है वहाँ पर रुक कर आप दर्शन कर सकते हैं। और ऐसे TV भी लगे हुए हैं हर जगह दर्शन करने के लिए। देखिए लाइटें, दिवाली का टाइम है ना तो बहुत अच्छा सजाया हुआ था, बहुत अच्छा फील हो रहा था, चारों तरफ रोशनी लाइटें। ये जितना भी आपको लाइटिंग का दिख रहा है यही मेन खाटू श्याम जी का मंदिर है। तो हम पहले रात को जब आए थे तो यहाँ सेंटर में से गए थे, यहाँ से भी सही दिख रहे थे। आप किसी भी लाइन में जाएं भगवान बिल्कुल साफ दिखते हैं, अच्छे से दर्शन होते हैं। बट ये होता है कई लोगों को होता है थोड़ा और ज़्यादा पास से देखें, तो फर्स्ट लाइन में चले जाइए आप। जब लगेंगे लेफ़्ट में फर्स्ट लाइन में जाएंगे तो ये जो चांदी का सारा कवर किया हुआ यही मंदिर है लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। बट बहुत जल्दी निकाल देते हैं यहाँ से, आप जल्दी से ना है वो लाइन पास में
बट ये होता है वहाँ रुकने ही नहीं देते क्योंकि इतनी दुनिया है ना, फटाफट से पास करते हैं। बट दूसरी किसी लाइनों में लगते हैं तो एटलीस्ट कुछ सेकंड तो आप दर्शन कर पाएंगे अच्छे से। और मेरे राइट साइड में अगर आप लास्ट लाइन में जाते हैं वहाँ तो आप 10 मिनट तक रुक के दर्शन कर सकते हैं, वहाँ कोई इतना कुछ नहीं कहता है। तो मैंने वहीं पर दर्शन किए थे, पहले मैं रात को गई थी दर्शन करने के लिए, उसके बाद सुबह गई, दोपहर गई, और रात को आते टाइम भी मैं दर्शन कर ही आई थी। तो बहुत अच्छी तरह से हमने चारों पहर के दर्शन किए। कहीं और जाने का अभी इच्छा नहीं हो रही थी, मन भर ही नहीं रहा था उनके दर्शन करने के लिए, बार बार वहीं भाग रहा था। और भगवान बार बार हमें बुला भी रहे थे, दर्शन दे रहे थे, रुकने नहीं देते ना क्योंकि बहुत लोग हैं वहाँ। तो हम घूम फिर के दोबारा वहीं पहुँच जाते थे। कई जगह हैं यहाँ घूमने के लिए पर नहीं हुआ मन। पहली बार आए थे ना तो पहली बार दिल कर रहा था बस वहीं बैठे रहे, वहीं दर्शन करते जाएँ। बार बार उनके हर पहर के दर्शन किए हमने, दिल को बहुत तसल्ली और सुकून मिला। ये देखिए दिख रहे हैं ना खाटू श्याम जी, रात का टाइम है फिर भी बहुत रश है यहाँ। हर टाइम किसी भी टाइम जाएँ आप रश रहता है, बट ये होता है निकल जाता है। आप घबराएं नहीं भीड़ को देख के कि भीड़ है तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं होगा ऐसा, 10-15 मिनट में निकल जाते हैं लोग। तो यहाँ हो गए दर्शन, अब मैं बाहर की तरफ आ गई थी। ये मार्केट है सारी, रात को 10:30 बजे का टाइम है। ये देखिए सारा अभी भी कितना खुला हुआ है और यहाँ पे सारा सामान मिलता है। ये है मन्नत की जगह है, ये एक कॉर्नर बना हुआ है, हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना है। यहाँ सब लोग अपनी मन्नतों के धागे बांधते हैं, जिसकी जो विश होती है वो यहाँ बांध देता है धागा। आज सुबह सुबह खाटू श्याम जी के यहाँ पे मेरी सुबह है, देखिए मेरे पीछे का जो नज़ारा आपको दिख रहा है ना, ये खाटू श्याम जी में आई हुई हूँ। जो मैंने आपके साथ पहले वीडियो शेयर की थी वो रात की थी। एक्चुअली हम पहुँचे थे यहाँ पे 4 बजे की गाड़ी से, आई थी मैं 4:15 बजे की गाड़ी से, और उसने हमें यहाँ पे उतार दिया था 7:45 बजे। और उसके बाद आधा घंटा लगा था हमें आगे, जो जीप चलती है यहाँ पे गाड़ियाँ उनसे हम आ गए थे, और आते ही फिर रूम लिया, सामान रखा और फिर दर्शन करने चले गए। तो यहाँ से बहुत पास में ही मंदिर है। सुबह सुबह ही नहा धो ली हूँ मैं, यहाँ इतना अच्छा है, ठंडा है मौसम। मैं सोचा आपके साथ सुबह सुबह शेयर करूं, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। रात को पहुँच गए थे हम और 10 बजे से पहले 9:30 बजे तक दर्शन कर लिए थे हमने, 9:30-10 बजे। अच्छी है वो ट्रेन, बहुत जल्दी पहुँचा देती है, और आके आप यहाँ रात को दर्शन कर सकते हैं। तो मैंने हमने कहा हम एक बार रात को भी कर लेते हैं, एक बार सुबह थके हुए थे बट फिर भी ये सोचा था कि ना एक बार रात को दर्शन कर लेते हैं और फिर सुबह कर लेंगे। जब तक यहाँ है खाटू श्याम जी के पास ही हमने यहाँ होटल लिया था ना, तो फिर दर्शन करने ईजी हो जाते हैं, इसीलिए पास में लिया था कि थोड़ी देर रुकेंगे तो हम दो बार दर्शन कर पाएंगे उनके। पता नहीं और फिर दोबारा उसका आना होता है। तो यहाँ मैंने दर्शन किए रात को, आपको भी कराया, वीडियो तो पूरी देखिएगा, अच्छी लगेगी आपको। अब यहाँ सुबह नहा धो के रेडी हो गई हूँ, ये मेरा रूम है, अभी तो फैला हुआ है यहाँ पे, अच्छा है रूम, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज है यहाँ पे। अच्छा है, आप भी जब भी आए, अच्छा मौसम रहता है इस टाइम, सोचा आपके साथ थोड़ी मेमोरी कैप्चर कर दूँ। काफ़ी अच्छा रूम है यहाँ, हमने ये सुदामा होटल लिया था, अच्छा होटल है ये भी, पास में ही पड़ता है मंदिर के, सारी चीज़ें यहाँ आसपास ही है। जब भी आए मंदिर के पास लेने से फ़ायदा रहता है कि हम ना मंदिर जा सकते हैं, यहाँ आसपास घूम सकते हैं, जब भी हमें टाइम मिले हम दोबारा मंदिर जा सकते हैं। अगर कहीं दूर ले लेते हैं तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जब भगवान के पास आए ना, दिल करता दोबारा एक बार जाते आते दर्शन कर लें। कब आना होगा पता नहीं, खाटू श्याम जी दोबारा कब बुलाएंगे, पर आए थे तो सोचा कि दोबारा रात ही दर्शन कर लेंगे। यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, आगे की मेमोरी मैं आपके साथ कैप्चर करूँगी, तब तक वीडियो में बने रहिएगा। ये रूम में बाहर का नज़ारा आपको दिखा रही थी, देखिए श्री श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट के सामने ही ये होटल है हमारा, सुदामा होटल है, काफ़ी अच्छा होटल है ये, आपको आसपास का दिखा रही थी सुबह सुबह का। ये 8:30 बजे का टाइम हो रहा है, नहा धो के फ्रेश हो गए थे हम, अब सुबह सुबह जाएंगे मंदिर। वो जो मैंने आपको वीडियो दिखाई पहले वो रात की थी, ये सुबह की है, अच्छा होटल था हमारा। उसके बाद यहाँ पर आ गए थे ब्रेकफास्ट करने, तो ये सांवरिया होटल है यहाँ पे हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने, बहुत अच्छा होटल है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफ़ाई है, चप्पल उतार के इस रेस्टोरेंट में आना होता है और काफ़ी साफ़ सुथरा यहाँ का
एटमॉस्फेयर मुझे लगा बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ का खाना। 120 रुपए में ये थाली मिली जिसमें आप पेट भर के खा सकते हैं। यहाँ खाना सर्च किया था हमने, चारों तरफ इतना ख़ास नहीं है खाना, इतना पसंद नहीं आ रहा था। बट ये जो सांवरिया बहुत बड़ा होटल है, देखने में बहुत बड़ा लगता है, बट खाना यहाँ का इतना महंगा नहीं था, बहुत अच्छा था। रसोड़ा नाम से यहाँ पे लेते हैं। और ये देखिए सुबह के ब्रेकफास्ट में मिला है पोहा, परांठे, आलू मटर की सब्जी है, दही है और जलेबी। पेट भर के जितने चाहे पराठे, चाहे आप जो भी चाहे जितना भी खा सकते हैं यहाँ पे। और काफ़ी साफ़ सुथरा था, ये देखिए काफ़ी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा यहाँ का स्टाफ था। और ये होटल है, यहाँ पे पहले से बुकिंग करानी होती है, ऑन द वे यहाँ पर जगह नहीं मिलती है। काफ़ी बड़े स्पेस में ये देखिए होटल बना हुआ है, बहुत बड़े स्पेस में बना है। गाड़ियों की पार्किंग, बाइकों की पार्किंग भी आप कर सकते हैं अपने कन्वेंस से आते हैं तो। और 1100 रुपये का यहाँ रूम है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं लगा मुझे ये होटल, और देखने में 5 स्टार जैसा लगता है, बहुत बढ़िया होटल बना हुआ था। तो यहाँ आएँ तो यहाँ खाना खाएँ। उसके बाद तोरण द्वार से ही हमने यहाँ पे ये झंडा लिया था, मेरे बेटे का बहुत दिल था, सब झंडा लेके जा रहे हैं तो वो भी ज़िद कर रहा था तो हमने ले लिया। हमारी कोई विश नहीं थी ना ऐसी, हम तो सिर्फ दर्शन करने आए थे भगवान जी के। तो आप कहीं से भी झंडा ले सकते हैं, चढ़ाना चाहे चढ़ा सकते हैं, और पूरा झंडा ही चढ़ाएँ भगवान के पास। जैसे ही आप पहुंचेंगे ना, जहाँ रेलिंग्स लगी हुई हैं वहीं पे ये ले लेते हैं। तो यहाँ स्वीट्स की शॉप आ गई थी, यहाँ हमने प्रसाद ले लिया, जो भी यहाँ प्रसाद अपनी इच्छा अनुसार आप ले सकते हैं। सारी स्वीट्स मिलती हैं जिसको जो चढ़ाना हो, पर यहाँ पे जो पंचमेवे का और चूरमा का प्रसाद है ये तो ज़रूर चढ़ाते हैं, बाकी एक्स्ट्रा आप जो चाहे ले सकते हैं। सालासर धाम स्वीट्स के नाम से है शॉप, यहाँ पर हमने प्रसाद ले लिया था, अच्छा प्रसाद था। यहाँ भी साफ़ सुथरा था, काफ़ी सब कुछ सही था, देख के लिए ले लिया था हमने। प्रसाद चढ़ाते हैं मंदिर में, वहाँ चढ़ता तो कुछ भी नहीं है अपने आप, बस ये है कि मंदिर में आप प्रसाद अगर हुआ है तो चढ़ गया। भगवान को तो कहते हैं ना दिल से चढ़ाना होता है, ये नहीं कि उनके पास जाके उनके मुंह में चढ़ाएंगे तभी चढ़ेगा, दूर से भी आप अपनी श्रद्धा से उन्हें चढ़ा देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बाकी यहाँ पर रोज़ चढ़ाते हैं, गुलाब के फूल चढ़ा रहे थे सब, तो मेरे बेटे का दिल था तो हमने यहाँ पर रोज़ भी ले लिया था चढ़ाने के लिए खाटू श्याम जी को। देखिए ये आ गई हूँ मैं सुबह के समय, प्रसाद और रोज़ लेके भगवान जी के दोबारा दर्शन करने ही। तिलक लगवाया था तो बड़ी फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था हाँ हम फाइनली पहुंच गए हैं खाटू श्याम जी के मंदिर। तो इस बार मैंने ये तिलक भी लगवाया था, मेरे बेटे और मैंने अब दर्शन कर लिए हमने। और ये है श्याम कुंड, श्याम कुंड के भी दर्शन करना ज़रूरी होता है, और यहाँ पर जल के छींटे ज़रूर मारे, नहाए ना नहाएँ पर जल के छींटे मारने चाहिए। तो ये सुबह के दर्शन कम्प्लीट हो गए हमारे, अब ये हो गए शाम के दर्शन। ये आई फिर मैं शाम को लास्ट लाइन में से जाते हुए, हमने सोचा एक बार और दर्शन कर लें। तो ये देखिए ये बिल्कुल सामने है, लास्ट लाइन से आप दर्शन करेंगे ना तो बिल्कुल आराम से आप कितनी देर चाहे कर सकते हैं, ज़्यादा देर काफ़ी देर, 10 मिनट तो मैं खड़ी रही थी, पूरे दिल से मैं वहाँ खड़ी रही, नहीं किसी ने कुछ कहा, कहने को तो वहाँ भी कहते हैं, पर भगवान की कृपा थी कि काफ़ी देर मैं दर्शन कर पाई ईश्वर के, खाटू श्याम जी के। बहुत अच्छा लग रहा था उनसे बातें करके, उनके दर्शन करके मन भर ही नहीं रहा था, बट ये था कि जाते जाते एक बार और दर्शन करने का दिल था तो मैंने वो दर्शन किए अपनी फैमिली के साथ। बहुत हैं हारे के सहारे बाबा श्याम जी हमारे, बहुत मन को शांति और सुकून मिलता है ना। आप जब भी कहीं भी किसी भी प्राचीन मंदिर जाते हैं तो वहाँ का ओरा अलग ही होता है, वहाँ की भक्ति, वहाँ का रूप ही अलग होता है। और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है, कहते हैं इनके दर्शन करने के बाद हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए तभी यात्रा पूरी होती है, ऐसे यहाँ के लोग कह रहे थे तो हमने उनके भी दर्शन कर लिए थे। तो आते हुए हनुमान जी के दर्शन भी करें और श्याम कुंड के भी ज़रूर, दो कुंड हैं यहाँ पे, दोनों के दर्शन करें, आसपास पूछ लें किसी से भी। श्याम कुंड के पास ही एक और कुंड भी है, उनके भी दर्शन करते हुए आप आएँ। तो यहाँ मेरी यात्रा हो गई पूरी, अब हम जा रहे हैं वापस, शाम का समय हो गया, अपनी फैमिली के साथ मैं जा रही हूँ। आई होप दोस्तों आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।